गेहूं, आटा, चीनी और मिल्क पाउडर। पार्ले जी के बिस्किट में मेनली ये चार रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन सारे रॉ मटेरियल्स की कीमतें पिछले 20-25 साल में कम से कम 10 गुना बढ़ चुकी है। मैन पावर कॉस्ट बढ़ा है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा है, मशीनरी कॉस्ट बढ़ा है, और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ा है। तो सवाल यह है कि इतना सब कुछ बढ़ने के बाद भी पार्ले जी की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? क्यों आज भी पार्ले की बिस्किट्स 5 रुपए में ही मिलती है? प्राइस ना बढ़ाने के पीछे कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 रुपए का भी दाम ना बढ़ाते हुए भी कंपनी ने पिछले साल 13,600 करोड़ रुपए का टर्नओवर कैसे किया? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। इस कहानी की शुरुआत होती है 1929 में, जब सूरत के एक युवा व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के पार्ला में स्थित एक पुरानी फैक्ट्री को खरीद लेते हैं और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर इस फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। इस फैक्ट्री में शुरुआती दौर में सिर्फ 12 कर्मचारी होते हैं और वो सभी मोहनलाल दयाल के परिवार के सदस्य ही होते हैं। दिन रात मेहनत करके वो लोग 1929 में कंपनी का पहला प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन काम की हड़बड़ी में कंपनी का नाम रखना ही भूल जाते हैं। नाम का ये किस्सा सुलझाने के लिए मोहनलाल दयाल के दिमाग में एक आइडिया आता है। मुंबई के जिस इलाके में फैक्ट्री खड़ी होती है उसी एरिया का नाम कंपनी को देने का वो फैसला करते हैं, और जन्म लेती है एक शुद्ध देसी भारतीय कंपनी जिसका नाम होता है पार्ले। ऑरेंज कैंडी, ये इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट है। कैंडी बाजार में आती है, लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है और धीरे धीरे कंपनी कारोबार में अपना पैर जमाने लगती है। जब ऑरेंज कैंडी की लोकप्रियता बढ़ रही थी तभी मोहनलाल दयाल बिस्किट बनाने का ठान लेते हैं, क्योंकि उस वक्त बिस्किट जैसा एक साधारण सा प्रोडक्ट भी सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित था। उस समय भारतीय लोगों के लिए बिस्किट खाने के लिए तो छोड़ो देखने के लिए भी नहीं मिलता था, और इसी सिचुएशन को चेंज करने के लिए मोहनलाल दयाल 1939 में बाजार में पहली शुद्ध देसी रूप से बनी भारतीय बिस्किट मार्केट में लेकर आते हैं, जिसका नाम होता है पार्ले ग्लूको बिस्किट। इसी बिस्किट को हम आज पार्ले जी के नाम से जानते हैं। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और बेहतरीन टेस्ट की वजह से पार्ले की पॉपुलैरिटी बहुत कम समय में बढ़ने लगती है। उस समय कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया पता नहीं, लेकिन कई भारतीयों के जुबान को पहली बार बिस्किट का स्वाद चखाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो पार्ले को। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते बाजार में गेहूं की कमी के कारण कंपनी को थोड़े समय के लिए अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन और सप्लाई चेन फिर से नॉर्मल होने के बाद 70 के दशक में पूरे जोर से कंपनी अपना प्रोडक्शन फिर से शुरू कर देती है। कॉस्ट, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, इन चारों पॉइंट्स पर कंपनी अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर देती है और मार्केट में पार्ले की सेकेंड इनिंग जोरदार और धुआंधार होती है। 80 के दशक में एक तरफ पार्ले ग्लूको बिस्किट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ ग्लूकोज ये नाम लेकर मार्केट में बहुत सारे नकली बिस्किट्स भी आ चुके थे। मार्केट में ग्लूकोज बिस्किट की इतनी भीड़ थी कि पार्ले का ओरिजिनल बिस्किट इस भीड़ में गुम हो चुका था। कस्टमर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि असली कौन सा और नकली कौन सा। हालांकि पार्ले ग्लूकोज बिस्किट बनाने वाली पहली कंपनी थी, लेकिन वो ग्लूकोज इस शब्द पर कॉपीराइट का दावा नहीं कर सकती थी, क्योंकि ग्लूकोज ये कॉमन वर्ड है। और इस पर काबू पाने के लिए कंपनी ने एक आइडिया लगाई। उन्होंने अपने इस ओरिजिनल नाम से ग्लूकोज शब्द को हटा दिया और उसमें से केवल जी ये एक अल्फाबेट लेकर पार्ले जी इस नाम से बिस्किट का रीब्रांडिंग कर दिया। इस स्मार्ट रीब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के कारण पार्ले जी का ब्रांड एक बार मार्केट में फिर से सैकड़ों ग्लूकोज बिस्किट की भीड़ में अलग दिखने लगा, और उसके बाद पार्ले जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्रांडिंग का ये खेल जीतने के बाद अब कंपनी कॉस्ट की दौड़ में भी आगे रहना चाहती थी। पार्ले की कीमत कम से कम रखने के लिए कंपनी ने कई सारे हथकंडे अपनाए। पार्ले का कवर पहले कागज से ढका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई और कागज महंगा होता गया, उन्होंने इस कवर को प्लास्टिक में तब्दील कर दिया। पहले कवर पर गाय की तस्वीर हुआ करती थी, अब उसकी जगह एक छोटी बच्ची की प्यारी सी तस्वीर लगा दी। बीच में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही थी कि पार्ले जी के कवर पर वो प्यारी सी छोटी लड़की सुधा मूर्ति की तस्वीर है। बाद में कंपनी ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि ये तस्वीर किसी इंसान की नहीं है, एक्चुअल में ये एक इमेजिनरी पिक्चर है जिसे 60 के दशक में एवरेस्ट क्रिएटिव ने बनाया था। मुंबई, बेंगलुरु, राजस्थान और हरियाणा सहित 10 जगहों पर आज कंपनी के अपने फैक्ट्रीज है।
और इनमें से कोई भी फैक्ट्री मेन सिटी से 60 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। डिस्टेंस जितना कम होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ही कम होगा। ये लोग बल्क में रॉ मटेरियल की खरीदारी करते हैं। ह्यूज क्वांटिटी में डील करने की वजह से इन्हें रॉ मटेरियल बहुत सस्ता गिरता है। कवर को प्लास्टिक में तब्दील करके इन्होंने पैकेजिंग पर पैसा बचाया। फैक्ट्रीज को 60 किलोमीटर के दायरे में लाकर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पर पैसा बचाया। और अब मार्केटिंग पर पैसा बचाने के लिए कंपनी ने किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बजाय कवर पर जो छोटी लड़की की तस्वीर थी उसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर और जी फॉर जीनियस ये मैसेज लेकर टीवी पर जोर शोर से एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। इन सभी चीज़ों का मिला जुला असर यह है कि पार्ले बिस्किट की कीमत आज भी 5 रुपये पर कॉन्स्टेंट है। बीच में कंपनी ने एक बार बिस्किट्स के दाम 50 पैसे से बढ़ाए थे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं ठीक उसी तरह 50 पैसे की इस बढ़ोतरी के खिलाफ जनता का आक्रोश देखने को मिला। तब कंपनी ने यह महसूस किया कि पार्ले जी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक इमोशनल सेंटिमेंट है। जनता ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि पार्ले जी की कीमत 5 रुपये से ज़्यादा हो सकती है। पार्ले जी का मतलब 5 रुपये और 5 रुपये का मतलब पार्ले जी, ये इक्वेशन बहुत फिट हो चुका था। मैनेजमेंट को ये समझ में आया कि मार्केट में बने रहने के लिए अगर हम कीमत बढ़ाते हैं तो मार्केट से बाहर होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए उन्होंने कीमत बढ़ाने के अपने इस फैसले को वापस ले लिया। एक तरफ कीमत भी नहीं बढ़ाना है और दूसरी तरफ मार्केट में अपना शेयर भी बढ़ाना है, इसलिए मैनेजमेंट ने अब कॉस्ट कटिंग के बदले क्वांटिटी कटिंग का खेल खेला जो बेहद सफल रहा। कभी 5 रुपये में 100 ग्राम का मिलने वाला पार्ले का पैकेट बाद में 90 ग्राम का हुआ, उसके बाद 80 ग्राम का, उसके बाद 70 ग्राम, ऐसे करते करते आज वो 55 ग्राम का हो गया। इसका मतलब कीमत 5 रुपये ही है लेकिन पार्ले के पैकेट का साइज और अंदर के बिस्किट्स के नंबर्स कम हो गए हैं। सिंगल ब्रांड पार्ले जी के ऊपर का अपना ओवर डिपेंडेंसी कम करने के लिए कंपनी ने कई सारे दूसरे ब्रांड भी लॉन्च कर दिए। पार्ले क्रैक जैक, पार्ले मोनाको, पार्ले 2020, पार्ले हाइड एंड सीक। आज की तारीख में मार्केट में पार्ले के पास सिर्फ बिस्किट में ही 20 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं। कल कोई भी कॉम्पिटिटर आके बिस्किट में हमारी मोनोपोली तोड़ दे तो भी कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए कंपनी ने पेस्ट्री, कैंडी, चॉकलेट और स्नैक में कई सारे अपने ब्रांड्स लॉन्च कर दिए। पार्ले एक्लेयर्स, पॉपीज, मेलोडी, मैंगो बाइट, किसमी, पार्ले मिलानो, पार्ले रस। 2018 में कंपनी के पास 3 कैटेगरी कन्फेक्शनरी, स्नैक्स और चॉकलेट्स और बिस्किट्स, इन तीनों कैटेगरी में मिलाकर 2018 तक कंपनी के पास टोटल 202 प्रोडक्ट्स थे। इन सभी 202 प्रोडक्ट्स में से पार्ले जी ये एकमात्र उनका प्राइम प्रोडक्ट है, बाकी सारे प्रीमियम प्रोडक्ट है। प्रीमियम प्रोडक्ट की वजह से कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, कंपनी पैसे कमाती है, लेकिन प्राइम प्रोडक्ट जो कि एक ड्राइवर प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से कंपनी का ब्रांड हर घर में पहुंचता है, कंपनी को लोग ज़्यादा जानते हैं और उसकी वजह से कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगता है, ट्रस्ट की वजह से ही आखिरकार बिजनेस बढ़ने लगता है। तो कंपनी के मैनेजमेंट को ये बात समझ में आई, जिस प्राइम प्रोडक्ट की वजह से कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, अगर उसकी कीमत हम 1-2 रुपये से बढ़ाते हैं तो हमारा फ़ायदा कम और नुकसान ही ज़्यादा होने वाला है। इसी के चलते कंपनी के मैनेजमेंट ने पार्ले की कीमत को 5 रुपये पर लॉक करके रख दिया है। दोस्तों, पार्ले की ये केस स्टडी आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि YouTube बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके ज़रिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।